पिछले साल के मुकाबले कितनी कम हुई वोटिंग। यूपी की 8 सीटों पर सिर्फ 55.39% मतदान। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा लोकसभा क्षेत्रों में शुक्रवार सुबह उत्साह के साथ बूथों पर मतदान शुरू हुआ, लेकिन दोपहर के बाद गति कम हो गई। वर्ष 2019 की तुलना में इस बार वोटिंग कम रही। पिछले आम चुनाव में इन सीटों पर 62.18% वोट पड़े थे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही 91 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इन सीटों पर 55.39% औसत मतदान हुआ। अमरोहा में सर्वाधिक 64.54% और मथुरा में सबसे कम 49.29% वोट पड़े। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो सभी 8 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। इस दौरान मिली शिकायतों के आधार पर 48 बैलेट यूनिट, 48 कंट्रोल यूनिट और 208 वीवी पैच को बदला गया। दूसरे चरण के चुनाव में 9,746 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा लोकसभा क्षेत्रों में शुक्रवार सुबह उत्साह के साथ बूथों पर मतदान शुरू हुआ, लेकिन दोपहर के बाद गति कम हो गई। वर्ष 2019 की तुलना में इस बार वोटिंग कम रही। पिछले आम चुनावों में इन सीटों पर 62.18% वोट पड़े थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि सभी 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चली। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोक स्मार्ट।